तो ये हमारा आइट्रॉनिक्स का लेटेस्ट मॉडल ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर है। आप देख सकते हैं ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, फुल्ली मोटराइज है, ठीक है। इस तरीके से इसकी स्क्रीन है, टिल्टेबल स्क्रीन के साथ आता है। पहले ये बड़ी स्क्रीन में आता था, अभी थोड़ा हमने इसको लेटेस्ट बनाया है और इसका कॉम्पैक्ट स्क्रीन आपको अब मिलेगा, छोटी स्क्रीन के साथ आएगा, टच स्क्रीन के साथ आएगा। यहाँ से इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये देख सकते हैं आप। इसका मॉडल आइट्रॉनिक्स 10, ये विद कैरेटोमीटर में भी मॉडल आता है जो K10 रहता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं आप इसका डिस्प्ले रहेगा। ये इसका कंट्रोल पैनल की अगर हम बात करें, ये इसकी कंट्रोल स्टिक है, यहाँ पर इसका लॉक सिस्टम है लॉक अनलॉक के लिए, ठीक है। ये इसकी बटन्स हैं फॉर चिन रेस्ट, मोटराइज चिन रेस्ट आपको इसमें मिलेगा, तो इन बटन से आप अपने चिन रेस्ट को अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसकी रीडिंग्स लेके देखेंगे मॉडल आई के ऊपर। अभी हमने मॉडल आई फिट की हुई है, मॉडल आई के साथ हम इसकी रीडिंग्स चेक करेंगे। अभी ये ऑटोमेटिक मोड पर है, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मोड्स में आप इस पर रीडिंग ले सकते हैं इजीली। ऑटोमेटिकली इसने आपने देखा वन टाइम में ही रीडिंग ले ली है और स्क्रीन पर यहाँ पर शो कर रहा है। अभी हम लोग स्क्रीन सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। रीडिंग जैसे इसने ले ली है यहाँ पर ऑटोमेटिकली वन टाइम में, यहाँ से आप इसका सेटअप चेंज कर सकते हैं रिफ्रैक्शन पे, जैसे अभी ये हो रखा है। अगर आप कैरेटोमीटर मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन से कैरेटोमीटर मोड में आप यहाँ से जा सकते हैं। ये अभी ऑटोमेटिक पे हो रखा है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं मैनुअल पे, जैसे आप देख सकते हैं मैनुअल ऑटोमेटिक, ठीक है। अभी ये फोकस है, मैनुअल फोकस हो रखा है, हम इसको ऑटोमेटिक फोकस पे भी चेंज कर सकते हैं जिससे ये फोकस ऑटोमेटिक करेगा। ये डिलीट का बटन है, जो भी मैंने रीडिंग्स ली हैं, अब मुझे नेक्स्ट पेशेंट की लेनी है तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। ये रीडिंग के लिए है, अभी जो मैंने रीडिंग ली थी उसको अगर मैं स्क्रीन पे रीड आउट करना चाहती हूँ तो राइट आई लेफ्ट आई इस तरीके से आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रिंटिंग का ऑप्शन है, आप जैसे प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, प्रिंटर इसका आपका अवेलेबल रहता है स्क्रीन के बैक साइड में, यहाँ से आप इसका प्रिंटर ले सकते हैं। सेटिंग्स की अगर हम लोग बात करें, इस तरीके से इसके अंदर आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। रिफ्रैक्शन सेटिंग्स में आप जाकर अपना वर्टिकल डिस्टेंस अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं, जैसे 0.0, 12 पे, 13.5 या 15 पे। सिलेंड्रिकल सेटअप आप माइनस में चाहते हैं, प्लस में, या प्लस माइनस दोनों में चाहते हैं, और स्फेरिकल सेटअप, सिलेंड्रिकल सेटअप सारे आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मोड इसके जो है ऑटोमेटिक मैनुअल आप यहां से इसका सेट कर सकते हैं। बीप साउंड जो आपको अभी आ रहा है वो भी आप लो, मीडियम या हाई पर कर सकते हैं। ये सारे इसके सेटिंग्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। प्रिंटिंग में भी आप जैसा जो चाहते हैं, जिस टाइप का प्रिंट चाहते हैं, प्रिंटिंग में कुछ मैसेज लिख के डालना चाहते हैं, अपने ऑप्टिकल शॉप का नेम डालना चाहते हैं, डेट टाइम डालना चाहते हैं, वो भी आप इसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग्स हैं। बाकी एक्यूरेसी में आपको सबसे बेस्ट मिलेगा ये मॉडल, एक्यूरेसी भी नंबर वन है, अच्छी स्क्रीन के साथ आता है, अच्छे लुक्स के साथ आता है। इसके अंदर आपको कैरेटोमीटर मॉडल भी मिल जाता है, तो आप ओनली ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर भी परचेज कर सकते हैं, और विद कैरेटोमीटर के साथ चाहते हैं K1 K2 रीडिंग्स चाहते हैं तो विद कैरेटोमीटर मॉडल भी आप इसमें ले सकते हैं, जो सेम एज बॉडी के साथ आते हैं।